हेलो हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो जस्ट अ मिनट। नाउ माय वॉइस इज क्लियर आई थिंक सो। सो बेसिकली टुडे आज सॉरी आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि एक सिनेरियो था जिस पे मैं एक्चुअली एक इशू आया था किसी को। सो मैं उसी एक वीडियो बना रही हूँ। फंक्शन राइटिंग का ये जो इशू था ये फंक्शन राइटिंग को लेके था। अभी मैंने फंक्शन राइटिंग में कोई वीडियो बनाई नहीं, तो जो भी सिनेरियो अभी छोटे छोटे फेस करने के लिए आएंगे मैं उसी पे ही क्लिप बनाती रहूँगी। इससे ये होगा कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं या जो भी स्टार्टिंग करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों पे फेस करने के लिए प्रॉब्लम आती है कि वो गाइड तो पढ़ लेते हैं, गाइड पढ़ के लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि फंक्शन ट्रिगर कैसे होगा, काम कैसे करेगा, कैसे डेटा आता है जाता है, ये सारी चीज़ें। सो आज हम इसी पे ही बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज जो होती है फंक्शन को ट्रिगर कराने के लिए हम हमेशा वर्क फ्लो ही लिखते हैं। वर्क फ्लो के बिना फंक्शन हम वैसे भी ट्रिगर करा सकते हैं, शेड्यूलर से करा सकते हैं, अदर भी और चीजें हैं, किसी भी चीज से करा सकते हैं। फंक्शन के अंदर भी हम लास्ट में लिख सकते हैं फंक्शन को ट्रिगर कराने के लिए कंडीशन। लेकिन अगर ज्यादा बेटर होता है अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम वर्क फ्लो से ट्रिगर करा सकते हैं, तो मैं पहला सिनेरियो लूंगी कि हम वर्क फ्लो से फंक्शन को ट्रिगर करा रहे हैं। यहाँ पे सीआरएम के अंदर मैं बात कर रही हूँ। सो अगर मुझे कोई भी फंक्शन ट्रिगर कराना है, अभी मैं सपोज एक वर्क फ्लो बनाती हूँ, रैंडमली टेस्ट वर्क फ्लो बनाती हूँ यहाँ पे। सो मैं एक इंश्योरेंस पे बना रही हूँ, टेस्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट किया, रिकॉर्ड एक्शन पे बना लेती हूँ, क्रिएट नेक्स्ट, ऑल कंडीशन ले ली मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैं फंक्शन को क्रिएट कर सकती हूँ। अभी मुझे इस वर्क फ्लो के साथ मैं एसोसिएट करूंगी इस फंक्शन को। इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगी यानी कि जिस भी फंक्शनैलिटी के लिए मैं वो फंक्शन लिख रही हूँ, वो जैसे ही ये वर्क फ्लो ट्रिगर होगा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन करेगा। सो मैं यहाँ पे फंक्शन को ऐड किया, मैंने यहाँ पे राइट कर रही हूँ कोई फंक्शन। तो मैं फिलहाल टेस्ट ले रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसको क्योंकि नेमिंग बहुत ज़रूरी है, तो नेमिंग हमारी बेटर होनी चाहिए। अब सिंपली मेरा यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई जिसमें अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि हमें हमेशा याद रखना है कि हमें पैरा आर्ग्यूमेंट ज़रूर ही मेंशन करने हैं, क्योंकि बिना आर्गुमेंट के हम जब कुछ लेंगे ही नहीं तो फिर हम किससे लिंक कराएंगे या किसका फॉर्म हम ला रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं। ये एक पैरामीटर की तरह ही काम करते हैं, जैसे हम नॉर्मली पैरामीटर देते हैं वैसे। अभी मैंने यहाँ पे मॉड्यूल इंश्योरेंस लिया है, ये मेरा एक वेरिएबल है जो मैंने आईडी दी है। इंश्योरेंस के अंदर मैं कौन सा फील्ड लेना, किसके बिहाफ पे मैं पूरे फॉर्म का डेटा फेच करना चाहती हूँ, मैं वो चीज़ें यहाँ मेंशन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस आईडी ले ली, इंश्योरेंस के फॉर्म में से इंश्योरेंस आईडी ली है, और मैंने एक पैरामीटर दिया है यहाँ पे आईडी, जिससे कि मैं इंश्योरेंस का फॉर्म की आईडी फेच कराऊंगी। मैं इसको डन करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो दे दिया है, अब मेरे सबसे पहले काम होगा कि मैं इस आईडी के थ्रू फॉर्म का डेटा फेच करूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डेटा फेच करने जा रहे हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं वाई, मैंने एक वेरिएबल बना लिया इक्वल्स टू। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे अगर आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा उसमें किसी भी रिकॉर्ड को गेट करने के लिए एक क्वेरी दी गई है, सिंटेक्स है उसका जोहो डॉट सी आर एम डॉट गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। हमारे पास ये इतने सारे फंक्शन है जो हम कर सकते हैं इसमें। तो मैं अभी गेट रिकॉर्ड बाय आईडी कर रही हूँ, मेरा फॉर्म नेम है इंश्योरेंस और मैंने ये आईडी यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है, तो मेरी ये आईडी हो गई। मैं इसको क्लोज करके इन्फो करा लेती हूँ वाई को, एग्जीक्यूट करते हैं कोई एक, मैं
डमी आईडी रिकॉर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, सो मैं ये ले लेती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ, अभी इसमें से नाम हटा देती हूँ, इसको कर देती हूँ मैं ब्लैंक। फाइन। अब ये वाला जो इंश्योरेंस नेम है, मैं ये चाहती हूँ इस वाले फील्ड की वैल्यू इसके अंदर आ जाए। सो हम आते हैं वापस, आईडी ले लेते हैं। आईडी हमारी फॉर्म की हमेशा ऊपर होती है, यूआरएल से आप ले सकते हैं आईडी। बाकी हम आईडी को वैसे भी फेच करा सकते हैं, लाइक एक किसी फील्ड में भी मैं फेच करा सकती हूँ आईडी को, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक आना चाहिए फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम इंटीजर में जो मैंने आईडी यहाँ पे ली थी फॉर्म की, मैंने कौन सी जो भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लिया था, वो रिकॉर्ड से ही मैं डेटा फेच कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आईडी डाली है, मैं इसे सेव कर रही हूँ। ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया, यानी कि अब अगर आप देखो तो नेम, जो ओनर का नेम है इसमें डेमो यूजर वन है, मेरे आईडी ये है, मेल आईडी यूजर वन डेमो एट द रेट ये है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे उससे रिलेटेड सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आता है नेक्स्ट। अब मैंने ये डेटा तो आईडी के थ्रू फेच करा लिया, अब मुझे कराना है डेटा गेट, क्योंकि मेरे को तो एक ही फील्ड चाहिए, वो कौन सा चाहिए, इंश्योरेंस नेम। तो अगर मैं इंश्योरेंस नेम, अब एक चीज और आती है मेरे यहाँ, अब मैं इंश्योरेंस नेम कराना चाहती हूँ तो मुझे इसका एपीआई नेम पता होना चाहिए। बिना एपीआई नेम के मैं उसको नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती, क्योंकि बैक में जो एपीआई नेम है वो अलग होगा, फ्रंट में अलग होगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा। जो यहाँ पे मिस्टेक हम लोग कर रहे थे पहले, वो यही मिस्टेक थी कि हम एपीआई का नेम गलत ले रहे थे और यहाँ पे एपीआई का नेम अलग है। इंश्योरेंस में आ गए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंश्योरेंस नेम की जो आईडी, एपीआई का नेम है वो नेम है, तो मैं यहाँ पे उसका नेम लूंगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ आई नेम इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई डॉट गेट अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वाई डॉट गेट लिया है। अब मैं यहाँ पे उस जो मैंने वेरिएबल वहां से कॉपी किया था नेम, वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ और मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखूंगी। अभी हम एक बार आई नेम यहाँ पे इन्फो करा के देख लेते हैं। आई नेम एग्जीक्यूट, आईडी हमारी ये थी, सेव शिवम। सो हमारा जो नेम वहां पे था रिकॉर्ड के अंदर वो शिवम था, यानी कि मैं इस अभी इस आईडी का, यानी कि ये मेरे फॉर्म की आईडी है, इस आईडी का मैंने ये सारा रिकॉर्ड फेच किया था सब कुछ। अब इसमें से मुझे एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए था इंश्योरेंस का नेम, तो मैंने वो यहाँ पे फेच कर लिया गेट करके। गेट करने के बाद क्या करेंगे, गेट करने के बाद हम लगाएंगे मैप यहाँ पे। अब मैं लगाती हूँ मैप, मैप ले लेती हूँ मैं आई मैप इक्वल्स टू मैप। अब मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया, मैप के अंदर मैं क्या करूंगी, उस वैल्यू को पुट करूंगी। किस वैल्यू को पुट करूंगी, नेम को मैं पुट करूंगी वहां पे। तो नेम मेरा जो भी होगा वो उसके अंदर मेरी वैल्यू पुट हो। सो यहाँ पे हम अब करेंगे आई मैप डॉट पुट। अब यहाँ पे जो जिसके अंदर मुझे, यानी कि
जिस भी फील्ड के अंदर मुझे वैल्यू लेके आनी है उसका मैं यहाँ पे वेरिएबल दूंगी, जिसका नाम है दिस वन। तो मैं यहाँ पे इसको ये मेंशन करती हूँ और इसमें आएगा मेरा आई नेम, करेक्ट। ये मैंने क्लोज किया। अब मैं रिस्पॉन्स में ले लेती हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जोहो डॉट सी आर एम डॉट अपडेट रिकॉर्ड, मॉड्यूल का नेम इंश्योरेंस, यहाँ आ जाएगी मेरी आईडी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैप आई अभी ये काम करना चाहिए। यहाँ मैं ले लेती हूँ रिस्पॉन्स, सेव एंड एग्जीक्यूट, करेक्ट, फाइन, हमारा वर्क किया है। अभी मेरी उसके अंदर वैल्यू नहीं है न्यू फील्ड में, तो अभी ये सक्सेसफुली मॉडिफाई हुआ है। अब हम यहाँ पे, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो इसके अंदर वैल्यू आ जानी चाहिए। करेक्ट है। अभी मैं क्या करती हूँ, चलो ये तो अभी हमने फंक्शन से एग्जीक्यूट किया है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो फंक्शन से एग्जीक्यूट हुआ है, अगर हमें फंक्शन से नहीं करना है सपोज, तो फिर ये कैसे होगा। अब मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करती हूँ, क्योंकि मैंने ये वर्कफ्लो के क्रिएशन पे लगाया है, तो जैसे ही मैं कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करूंगी, जैसे वाई टेस्ट किया है मैंने और कुछ मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको सेव कर रही हूँ, अब ऑटोमेटिकली वाई टेस्ट मेरा नीचे वाले नेम में आ जाएगा ये इसमें। तो इस तरीके से फंक्शन ऑटोमेटिकली काम करते हैं। टाइमलाइन में आप देख सकते हो ये ट्रिगर हुआ है। सो ये एक बहुत छोटा सा इशू जो अभी स्टार्टिंग में आया था हमें, तो होपफुली इससे जो इशू आया था वो रिजॉल्व हो गया हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेरी रह गई होगी। तो फंक्शन स्टार्टिंग हम ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे अभी आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा इशू था जिस पे हमने डिस्कस किया। हम आगे भी फंक्शन राइटिंग करने जा रहे हैं, शुरू हम कर चुके हैं, होपफुली धीरे धीरे चीज़ें हमारी आगे बढ़े। सो आएगा, धीरे धीरे करते हैं। ओके, सो बाय बाय। जाने से पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए फॉर न्यू अपडेट्स। एंड द मोस्ट थिंग, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है एज यू नो। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।